ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच आदेश कर चुकी है। दूसरी बात, आपको कोर्ट का आदेश मानना है। करने के ढंग पर परफेक्ट लोकतांत्रिक तरीके से मोहर लगा दी, स्वीकार कर लिया कि आप ठीक है। अब आपको ठीक करना है, अपने प्रदेश की जनता, अपने प्रदेश के शिक्षक, अपने प्रदेश के सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए व्यक्ति, अपने प्रदेश के भविष्य, अपने प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने वाले व्यक्ति, टीचर हैं, गर्ल्स मेल्स जो भी हैं, उन सब के बारे में अब आपको सोचना है। आपको उनको और सोचना भी नहीं, आपको व्यक्तिगत कुछ अपनी जेब से नहीं देना है, केंद्र सरकार दे रहा है। एक चीज, ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच आदेश कर चुकी है। दूसरी बात, आपको कोर्ट का आदेश मानना है, केंद्र सरकार के भेजे हुए पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, अपने प्रदेश के बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है, अपने प्रदेश के माता पिता जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको संतुष्ट करना है कि हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। केंद्रीय वाली थोड़ी उत्तर प्रदेश दिल्ली में शिक्षा दे पाते हैं, केजरीवाल जी हर जगह मनीष सिसोदिया जी दावा करते हैं कि हमने अच्छे स्कूल दिए, हमने अच्छी शिक्षा दी, हमने अच्छे टीचर दिए, हमने अच्छे खान पान बच्चों को दिया। ठीक है, अच्छी बात है, दिया है, देखने जा रहे हैं, उस पर वाद विवाद चलना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं आशा करता हूँ कि वाद विवाद छेड़े, योगी जी कहें कि हमने देश में सबसे अच्छी शिक्षा, सबसे संपन्न शिक्षक, आर्थिक तंगी के बदहाल शिक्षक नहीं, आत्महत्या करते हुए शिक्षक नहीं, भूखे पेट जाते हुए शिक्षक नहीं, टूटी साइकिल लेके जाते हुए शिक्षक नहीं, टूटे जूते चप्पल पहन के जाते हुए शिक्षक नहीं, अटे कपड़े पहने हुए माँ बाप के बच्चों शिक्षक नहीं, हमें एक मजबूत, स्वस्थ, सुंदर, आर्थिक रूप से मजबूत ऐसे शिक्षक दिए हैं जो मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वचना कर्मणा तीनों तरह से अपने उत्तर प्रदेश के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संघर्षरत रहें, शिक्षा के प्रति समर्पित रहें, शिक्षा दिलाने के लिए काम करते रहें, शिक्षा के लिए कार्य करते रहें। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, अच्छा से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप जो भी है, बच्चे भविष्य क्या है, शिक्षा, हमारे बच्चे तो भविष्य है। ये पीढ़ी तो नहीं, 50 साल के बाद ये पीढ़ी नहीं होगी जो आज है, लेकिन अगली पीढ़ी तैयार हो चुकी होगी। अगली पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र की तैयार, शिक्षा ही एक ऐसी धरोहर है जो हमें आगे बढ़ने का काम करती है, शिक्षा हमें दुनिया में ले जाती है, शिक्षा हमें विश्व के पटल पर ले जाती है। तो ऐसी शिक्षा इस देश के उत्तर प्रदेश, जिसे सबसे अच्छा प्रदेश कहा जाता है, उत्तर प्रदेश कहा जाता है, क्यों आप कहते हैं उत्तर प्रदेश, कहने दो विरोधियों को उत्तर प्रदेश है, एक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश के माननीय चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात मान लो, उत्तर प्रदेश के माननीय जस्टिस की बात मान लो, उत्तर प्रदेश, भाई देखिए योगी जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री तो उत्तर प्रदेश के भी है ना, अनुदेशकों के प्रधानमंत्री तो हैं, ऐसा तो है नहीं कह सकते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ही अनुदेशकों के है, माननीय मोदी जी के तो डबल उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो गुजरात के निवासी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्वीकार किया, दूसरे राज्य के एक व्यक्ति को अपने यहाँ से सांसद बनाया, दूसरे राज्य के एक व्यक्ति को अपने यहाँ से सांसद एक बार नहीं दोबारा बनाया, दोबारा नहीं आगे भी बनाने के लिए तैयार है। तो और प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने भी गरिमा रखी, उन्होंने वाराणसी को अगर महत्व दिया तो उत्तर प्रदेश के लिए भी समय दिया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कंधे पे हाथ रख के निकले भी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे कंधे पे आशीर्वाद रूपी हाथ रखकर चर्चा भी की है, डिस्कशन भी किया है, बातचीत भी किया है, वो भी महत्वपूर्ण बात रखती है। उत्तर प्रदेश को उन्होंने भी अपना अधिक माना, गुजरात उनकी जन्मभूमि है ही, लेकिन कर्म भूमि भी रही है गुजरात, लेकिन उन्होंने देश की अगर कर्म भूमि की बात करें, राष्ट्र की अगर कर्म भूमि की बात करें, तो माननीय मोदी जी को उत्तर
प्रदेश के वाराणसी का ही सांसद का के रूप में लोकसभा में बैठने का अवसर मिलता है, ये ज्यादा अच्छी बात है। इस पर भी उन्हें चर्चा करके आपस में निपटा के इस बात को अवश्य जल्दी से जल्दी निपटा देना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट पूरी तरह से इच्छुक है, ऑनरेबल कोर्ट पूरी तरह से चाहती है कि हम इसमें जल्द से जल्द हम फैसला करें और कोई टेक्निकल कोई इस तरह की परेशानियां ना आए जो बाद में कोई कह सके इनका ये रिप्लाई नहीं आया, आया रिप्लाई तो वो रिकॉर्ड में नहीं है तो उसकी नंबरिंग नहीं हुई, नंबरिंग नहीं है तो वो रजिस्ट्री के माध्यम से नहीं आया, तो वो सब चीजें टेक्निकल चीजें नहीं आनी चाहिए। और अच्छी भावना है, टेक्निकल चीजें आगे वाद को विवाद में बढ़ाती हैं और विवाद खत्म होना चाहिए, वाद खत्म होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता की समस्या है, अनुदेशकों की समस्या है। हमारे विक्रम सिंह जी क्यों लड़ रहे हैं? विक्रम सिंह जी अनुदेशक महासंघ के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और भी उनके साथ में है। कुछ उसमें राजनीतिक कारण भी बन गए हैं, कुछ लोग लेग पुलिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि आदत होती जब बड़ा आंदोलन होता है तो कई बार जैसे झाड़ू होती है, झाड़ू में सारी सीखें इकट्ठी बंदी होती हैं, सफाई बड़ी अच्छी होती है, घर साफ हो जाता है, लेकिन कुछ झाड़ू की सीखें ऐसी भी होती हैं जो उसी झाड़ू में से निकल जाती हैं। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए जो झाड़ू साफ करती है अगर सीख निकल जाती है, अब उसमें पड़े नहीं रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे, यूनाइट नहीं रहेंगे, इकट्ठे नहीं रहेंगे। आंदोलन तो कमजोर होगा, झाड़ू तो कमजोर होगी, लेकिन वो झाड़ू उस सीख को भी साफ करके कूड़ा बना के आगे बढ़ा देती है और कूड़े घर की तरफ फेंक देती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई राजनीतिक कारण ना हो, मिलके करें, आलोचना या समालोचना की बात नहीं है। जिन दिलों से, जिन आंखों से, जिन भावनाओं से, जिस सोच से ये केस जब जीते थे सिंगल बेंच से और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने केस डाला, अपील डाली, स्पेशल अपील डाली और उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे, जो शुरुआत में बात थी वही आखिर तक रखो। जीत एक दिन में नहीं मिलती, लोग कहते ना जीत एक दिन में नहीं मिलती है मिश्रा जी, लेकिन मेरा इसके उलट मामला है। लोग कहते ना जीत एक दिन में नहीं मिलती है, मैं इससे उल्टा सोचता हूँ कि बेशक जीत एक दिन में ना मिले लेकिन जीत एक दिन जरूर मिलती है अगर आप संघर्ष करते रहें, उस पर लड़ाई लड़ते रहें। विक्रम सिंह जी अनुदेशक महासंघ के द्वारा लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हें अकेला मत छोड़ना, इन्हें ये भाव ना आए कि मैं ही लड़ रहा हूँ। लोग इनकी टांगे खींचने वालों को झटक देना, टांगे खींचने वालों को दूर कर देना, जो इन्हें बाधा पहुंचाए उनसे बचाना, लोगों को बचाना, उन्हें समझाना, कहना एपी सिंह का कोई स्वार्थ नहीं है। अगर डॉक्टर एपी सिंह कितना टाइम दे रहा है कि 11 डेटें यहाँ आके लड़ना पड़ता है, इसी एक केस के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट आना पड़ता है, बहुत नुकसान होता है, बहुत फाइनेंशियल नुकसान होता है, बहुत मेंटली हरासमेंट होता है, बहुत जवाबदेही मुश्किल पड़ जाती है, लेकिन किस लिए मैं सोचता हूँ कोई ये ना कहे कि वो भी दूर हो गए, वो भी हट गए, इसलिए मैंने लड़ाई आखिरी आज तक लड़ रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी तक लड़ता हूँ। अब बिल्कुल आखिर आ गया है, फैसला होना है, अब फैसला होगा और निश्चित तौर पर फैसला आप सबके हित में होगा, आपके घर में खुशियां भी आएंगी, आपके घर में रिकवरी पैसे भी मिलेंगे, आपके यहाँ सब कुछ मिलेगा, आप इन जख्मों को भूल जाएंगे, लेकिन साथ देने वालों को भी याद रखना चाहिए। जो लड़ाई ये सब लोग लड़ रहे हैं उसमें ये ना हो आपस में लग पुलिंग अच्छी बात नहीं होती है, मिलके लड़ो, एक साथ लड़ो, उन्हीं आंखों से मिलो जिन आंखों से पहले मिले थे, उन्हीं आंखों में आंखें डालो जिन आंखों से पहले मिले थे। आंखें बदलना अच्छे इंसान का रूप रंग नहीं होता, मेरा यही कहना है।